अयोध्या में भव्य राम मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में देशवासियों में उल्लास का माहौल था और पूरे देश में दिवाली उत्सव की तरह मनाया गया था। वहीं गुजरात के वापी नीलकंठ आशीर्वाद सोसाइटी में भी श्री रामलला का स्वागत किया गया। सोसाइटी में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सोसाइटी के सदस्यों ने भगवान रामलला की पूजा अर्चना करके सुंदरकांड के पाठ, लोगों ने पूजा अर्चना में भी हिस्सा लिया। सोसाइटी में पूजा के बाद महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। जी नीलकंठ में क्या प्रोग्राम है और कैसे रामलला की पूजा की गई और क्या? रामलला की पूजा में सुंदरकांड रखा गया, महाप्रसाद रखा गया और रामचंद्र जी के आशीर्वाद से हम लोग को संपूर्ण हुआ। व्यवस्थित पूजा अच्छा से हुआ, पूजा जो होगी जैसा हम लोग की इच्छा था वैसा पूरा हुआ, सबको महाप्रसाद मिला। महाप्रसाद था। चलिए आप भी बोल दीजिए। महाप्रसाद रखा गया था, खुशी पूर्वक से महाप्रसाद सब लोग खाए। अयोध्या में राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम था, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा 500 साल के बाद में, उसके उपलक्ष्य में सभी आशीर्वाद नीलकंठ परिवार की तरफ से सुंदरकांड का और महाप्रसाद का आयोजन किया गया था और प्रभु श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से प्रोग्राम हम लोग का सफल हुआ। उसमें सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार बना रहे, यही प्रभु श्री राम जी से हम लोग की प्रार्थना है। और आगे जो बाकी है अपना मथुरा और काशी, उसमें भी हम लोग यही प्रार्थना करेंगे मोदी जी से कि काशी और मथुरा दोनों दे दिए। उसके बाद हमको विश्वास है कि मोदी जी रहेंगे तो हम लोग को काशी मथुरा मिल जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा विश्वास है।